शामली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के सीटी कैराना पानीपत खटीमा हाईवे मार्ग पर महादेव मोटर एंड स्पेयर पार्ट्स में लगी शॉर्ट सर्किट के चलते भयंकर आग। शोरूम में आधा दर्जन के करीब गाड़ियों व करीब करोड़ रुपयों की स्पेयर पार्ट्स मौजूद। आग पर काबू पाने के लिए बागपत मुजफ्फरनगर से भी दमकल की कई गाड़ियां बुलाई गईं और अभी भी दमकल विभाग पर आग काबू पाने के प्रयास में जुटा हुआ है। सदर कोतवाली पुलिस बल के साथ ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर मौजूद। मुकुल, क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी जल गई? अभी दो दिन पहले हमने अपनी गाड़ी यहाँ सर्विस के लिए दी थी, तो आज उसकी डिलीवरी थी, पर सुबह जब पता चला तो यहाँ पे आग लगी हुई है, तो जल के सारी गाड़ियाँ तो सुहाई हो ही गई। अब देखो जी क्या होता है आगे। काफ़ी बड़ा शोरूम है, सर्विस स्पेयर पार्ट सब वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, तो शहर के बीच में सबसे बड़ा शोरूम है हमारे शहर में। हमारी रिनॉल्ट क्विड थी जिसकी लगभग 4-4.5 लाख रुपए की कीमत थी। इसमें DCR कंट्रोल रूम के थ्रू जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई कि महादेव मोटर्स करके कैराना रोड पे है, उसमें एक घटना होगी, बड़ी घटना है, तो तत्काल प्रभाव से मौके की स्थिति को देखते हुए यहाँ पे जनपद की सारी गाड़ियाँ, जो हमारा शामली की शहर की गाड़ियाँ थी, जो हमारा तहसील क्षेत्रों की गाड़ी थे, तत्काल प्रभाव से भेजी गई और मैं भी मौके पर तुरंत पहुँचा। तो इसमें जो हमारी प्राथमिक तौर पे व्यवस्था करेगी उसके अनुसार पूरी आग को फैलने से संचित कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया, चारों तरफ नहीं फैलने दिया गया और कार्यवाही निरंतर रूप से करी गई, तो काफ़ी हद तक स्थिति नियंत्रण में। उसके बाद अन्य क्षेत्रों से भी गाड़ियाँ जैसे बागपत मुजफ्फरनगर और वहाँ से भी गाड़ियाँ आनी प्रारंभ हो गई हैं, लेकिन स्थिति काफ़ी हद तक अभी नियंत्रित है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। देखिए, कारण तो भी पहली प्राथमिकता तो आग को बुझाना है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की कोई इंजरी और किसी तरह का कोई वैसा दिक्कत नहीं है और पूरी तरह से इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। नुकसान की जो आकलन है वो तो जांच के बाद ही क्लियर होगा कितना क्या है, क्योंकि अभी ये क्लियर ही नहीं है क्या था कैसा था, बट ये है कि वर्कशॉप था, इसमें टायर थे और मोबिल ऑयल और इस तरह का मटेरियल था, वो तो बंद गाड़ियाँ थी, गाड़ियाँ को तो प्राथमिक तौर पर निकाल दिया गया है, यहाँ से निकलवाया गया। गाड़ियाँ अगर अंदर रहती तो और ज़्यादा दिक्कत।